दोस्तों खिलाड़ी जो कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है रमेश वर्मा ने और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं मास महाराजा रवि तेजा, उनके साथ में है अर्जुन सरजा, मुरली शर्मा, साथ ही साथ अनूप सिंह ठाकुर। बताना चाहूँगा दोस्तों खिलाड़ी फिल्म का बजट है लगभग 30 करोड़ रुपए और इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु दो भाषाओं में रिलीज किया है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के स्क्रीन काउंट के बारे में तो खिलाड़ी फिल्म को हिंदी मार्केट में रिलीज किया है लगभग 500 स्क्रीन में, जबकि इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड 1600 स्क्रीन पे रिलीज किया है। बताना चाहूँगा दोस्तों खिलाड़ी फिल्म के जो वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स है वो बिके हैं 24 करोड़ 80 लाख रुपए में। बात करें दोस्तों फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों खिलाड़ी फिल्म को पब्लिक की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि खिलाड़ी फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है यानी कि इंटरवल के पहले तो फिल्म में थोड़ी बहुत कॉमेडी है और रूटीन से फिल्म चलती है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म का जो एक्शन है वो काफी लाजवाब है, जिसी के चलते इस फिल्म को पहले दिन पब्लिक की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि दोस्तों खिलाड़ी फिल्म का हिंदी मार्केट में कोई खास प्रमोशन नहीं हुआ था, जिसके चलते फिल्म को हिंदी मार्केट में तो कोई बड़ी ओपनिंग नहीं मिल रही है, लेकिन तेलुगु वर्जन में फिल्म के जो पहले दिन के कलेक्शन है वो काफी दमदार आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि खिलाड़ी फिल्म को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मॉर्निंग वाले शोज में ही काफी शानदार ओकेपेंसी मिली है और कई जगह पर तो ये फिल्म पूरी तरह से हाउसफुल है। साथ ही साथ दोस्तों खिलाड़ी फिल्म को हिंदी मार्केट में मुंबई साइड से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और हिंदी मार्केट से भी ये फिल्म पहले दिन डिसेंट सा कलेक्शन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक कई रिपोर्ट के मुताबिक खिलाड़ी फिल्म अपने पहले दिन हिंदी मार्केट में लगभग 2 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है। वही दोस्तों खिलाड़ी फिल्म का जो फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन वो हो रहा है लगभग 16 करोड़ की रेंज में। तो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म अगर पहले दिन 16 करोड़ रुपए की कमाई कर जाती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर ही फिल्म अपना बजट रिकवर कर लेगी और अच्छे रिव्यूज के चलते फिल्म का जो फाइनल कलेक्शन है वो भी काफी बढ़िया जा सकता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो खिलाड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपरहिट हो सकती है। हालांकि दोस्तों खिलाड़ी फिल्म रवि तेजा की पहली ऐसी मूवी है जिसे हिंदी डब में डायरेक्ट थिएटर में रिलीज किया है, तो आप इस फिल्म को थिएटर में देखने जाएंगे या नहीं कमेंट करके जरूर बताएं। और खिलाड़ी फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।